हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं एसी ट्यूटोरियल्स। आज का जो अपना डिस्कशन है वो है यूनिवर्सल फिजिक्स की जो किताब है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि यूनिवर्सल करें कि नहीं करें, यूनिवर्सल से कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो उसी पर आज पूरा डिस्कशन करेंगे अपन। तो उसमें फोकस करेंगे कि देखेंगे कि यूनिवर्सल के फ़ायदे क्या हैं, मतलब उस बुक के क्वालिटीज़ क्या हैं आपके, और उस बुक को करने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, और उस बुक के ड्रॉबैक क्या है, मतलब क्यों नहीं करना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, फिर अंतिम अपन कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे। तो इस देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल्स के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसमें इतने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब सी ऑफ क्वेश्चंस कहिए उसको। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं कि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं, पहला बात, ठीक है। हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब जिधर भी जाइए, जिस वैरायटी का भी चाहिए उस वैरायटी का मिल जाएगा आपको। और इतना ज़्यादा क्वेश्चन दिया है कि मतलब करते करते आप खुद बोर हो जाइएगा। सेकेंड चीज़ की क्या है, उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, वो नीट के हो, एम्स का हो, जेई मेंस का हो, सब कुछ इंक्लूडेड किया हुआ है उसमें। एडवांस का भी कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो सारे क्वेश्चंस। तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यदि आप करते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चंस खास करके उसमें, ठीक है। वैरायटी भी अच्छा खासा है और आपका क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है ये। लेकिन ये फैक्टर भी है और ये आपका ये अच्छा भी बात, लेकिन ये गड़बड़ भी है, क्योंकि मान लीजिए आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो इतने सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा क्वेश्चन है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा कि इतने सारे क्वेश्चंस को बना दे। कई कुछ क्वेश्चंस क्या है कि रिपीटेड फॉर्म में होते हैं, मतलब एक ही फॉर्मूला पर आपके इसमें 15-15, 20-20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इसका बहुत बड़ा विड्रॉ है। एक ही फॉर्मूला पर 15-15, 20-20 क्वेश्चन दिया है, तो आपको एक मतलब एक फॉर्मूला पर 2 से 3 क्वेश्चंस कीजिए, उससे ज़्यादा करना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम भी नहीं है। और भी जब पढ़ने फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है पढ़ना है अपन को। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। इसके कारण क्या होता है कि हम जब नीट का जब एग्ज़ाम आता है, जब रिवीजन शुरू करते हैं, तो रिवीजन ठीक से प्रॉपर हो नहीं पाता है यूनिवर्सल से, ठीक है। और दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो ह्यूज वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम में मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन ज़्यादा होना भी नुकसान नहीं है इसका, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा है। देखिए, वैरायटी मैंने बोला कि ज़्यादा है, लेकिन वैरायटी में कैसे है कि अब 1000 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन में वैरायटी कितना है, 200 टाइप का है, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन तो एक ही फॉर्मूला पर रिपीट है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन है। तो वो आपके लिए थोड़ा सा कम्बरसम हो सकता है और आपको रिवीजन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है उससे। लेकिन यदि आपने यूनिवर्सल खरीदा है, ठीक है, तो आप कम से कम क्या करना चाहिए, यदि मान लीजिए जिन्होंने यूनिवर्सल खरीद लिया है वो क्या करें, कम से कम प्रीवियस क्वेश्चंस उससे बनाएं आप, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन जितना दिया है उससे आप उसको कवर करें, प्रीवियस क्वेश्चंस को, जिन्होंने भी यूनिवर्सल अभी तक ले चुका है, मतलब जिन्होंने ले लिया है यूनिवर्सल, वो फॉलो करें प्रीवियस क्वेश्चंस को उसमें। उससे पहले वाले पार्ट को नहीं करें, ठीक है, मेरा यही सजेशन रहेगा आपको, उससे पहले वाले पार्ट को एकदम नहीं करें। सिर्फ क्या करना है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन जिन्होंने ले लिया है वो उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं लिया है वो अभी वो मत करें, ठीक है। अब देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार, पहले आप नोट्स कीजिए, अब आपका जो स्टडी मटेरियल है वो कीजिए, ठीक है। जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो ऑप्ट कर सकते हैं वो यूनिवर्सल, वो भी यूनिवर्सल में क्या करना है, उनको सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन करना है। ध्यान सुन लीजिए, बार बार आप क्वेश्चन में पूछेगा इससे बेस्ट, ठीक है, ध्यान सुन लीजिए। नोट्स के साथ स्टडी मटेरियल कर सकते हैं, लेकिन स्टडी मटेरियल में भी जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, जिनके पास स्टडी मटेरियल है किसी कोचिंग का, वो स्टडी मटेरियल नहीं करे। जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो यूनिवर्सल कर सकते हैं, और उसका भी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें वो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करें, ठीक है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस ही करना है उसका सिर्फ, ठीक है। आप फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ये करना है कि नहीं, नहीं, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन। जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो, जिनके पास स्टडी मटेरियल है वो सिर्फ स्टडी मटेरियल ही करें अपना। उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चंस कीजिए, जिनके पास स्टडी मटेरियल उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स कर लीजिए, उसके बाद जेई मेंस के आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। इतना ही दिक्कत पाते, इसी से क्वेश्चन करना आपको, मैंने पहले ही बता चुका ये बात। इतना कीजिए, इतना करने के बाद यदि आपके पास टाइम बचता है तब आप जाइए यूनिवर्सल के प्रीवियस क्वेश्चंस पर, ठीक है, यदि आपके पास है तो। नहीं तो यूनिवर्सल खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल खरीदने का कोई नीड नहीं है। जिन्होंने खरीद लिया वो प्रीवियस क्वेश्चन उससे लगा सकते हैं, वो फायदा है उनके लिए, ठीक है, लेकिन खरीदने का जरूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन आपको किसी बुकलेट में अच्छे तरीके से मिल जाएगा, नीट और एम्स का, ठीक है। तो ये है यूनिवर्सल का आपका ये। तो फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ, जिन्होंने भी खरीद लिया वो आप उससे प्रीवियस क्वेश्चन कर सकते हैं एज अ स्टडी मटेरियल यूज करके। जिन्होंने नहीं खरीदा, उनको खरीदना नहीं है, वो अपने नोट्स करें, स्टडी मटेरियल करें, प्रीवियस क्वेश्चन का जो बुकलेट है वो करें, एनसीईआरटी करें, और जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन करें, ठीक है, उनमें सारा उनका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।